नामी स्कूल में पढ़ रहे एक अधिकारी के बेटे ने महिला अध्यापक के साथ अश्लील वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। करीब 2 मिनट 50 सेकंड की यह वीडियो क्लिप स्कूल प्रबंधकों तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो में नज़र आ रहा विद्यार्थी एक बड़े पुलिस अधिकारी का पुत्र है। इस कारण स्कूल प्रबंधन और पुलिस वाले मामले को दबाने में जुटे हैं। इससे पहले होशियारपुर के सरकारी स्कूल में भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। वायरल हुई वीडियो क्लिप में स्टूडेंट अपनी महिला अध्यापक के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है। वह मैसेज करके अध्यापक को कपड़े उतारने को कहता है। पहले वह मना कर देती है। स्टूडेंट उसे कहता है कि यदि उसने ऐसा ना किया तो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। उसके प्यार में पागल अध्यापक पिघल जाती है। वह शावर के बहाने बाथरूम में जाती है तो स्टूडेंट उसे वीडियो कॉल करता है। वह अध्यापक को अलग अलग एंगल के साथ कैमरे के सामने आने को कहता है। इस दौरान वह उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। वीडियो में अध्यापक के कलाई और गर्दन पर टैटू भी नज़र आ रहा है। पुलिस ने स्टूडेंट पर नहीं किया केस दर्ज। यह वीडियो क्लिप स्टूडेंट ने अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल रिकॉर्ड एप्पल इंस्टॉल करके रिकॉर्ड की। इसके बाद क्लिप को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही यह मामला देखते ही देखते स्कूल मैनेजमेंट और अधिकारियों तक पहुंच गया। नियम के मुताबिक मामलों में उक्त स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज होता, परंतु ऐसा पुलिस ने करना जरूरी नहीं समझा। वहीं इस संबंध में SP सेंट्रल हरसिमरत सिंह ने कहा कि पुलिस के पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं है। स्कूल प्रशासन या महिला अध्यापक की तरफ से यदि शिकायत आती है तो वह इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। अपने शहर की खबरें देखने के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकॉन पर क्लिक करें।